इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए, देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। दिनांक 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर सन 1877 में कायदे शास्त्री भोलाभाई देसाई इनका जन्म हुआ। सन 1927 में किंग एडवर्ड कॉलेज यानी आज के VMV में पी राजू इनका भाषण आयोजित हुआ। सन 1940 में अखिल भारतीय हिंदू सभा का अमरावती में आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की गई भोपटकर द्वारा। सन 1911 में अभिनेता अशोक कुमार गांगुली इनका जन्म हुआ। सन 1987 में अभिनेता किशोर कुमार इनका निधन हुआ। सन 1911 में सिस्टर निवेदिता इनका निधन हुआ। सन 1884 में ग्रीनविच टाइम को सर्वमान्यता प्राप्त हुई। ये वैश्विक मध्यान रेखा पर होने के कारण इस समय को स्वीकार किया गया। सन 1241 में रजिया सुल्ताना इनका निधन हुआ। सन 1671 में मछलीपट्टनम में आए तूफान में 20,000 लोग मृत हुए। सन 1756 में रॉबर्ट क्लाइव आर्कोट से कलकत्ता रवाना हुआ। सन 1935 में हिंदू रहकर नहीं मरूंगा ऐसी महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने येवला में घोषणा की। सन 1857 में मुंबई के पोलो ग्राउंड आज के आजाद मैदान में देशभक्त हवालदार सैयद हुसैन और मंगल गौदिया इन्हें तोप से उड़ाया गया। सन 1771 में अमेरिकन व्हाइट हाउस का जॉर्ज वाशिंगटन के हस्ते शिलान्यास किया गया। सन 1948 में गायक नुसरत फतेह अली इनका जन्म हुआ। सन 1948 में इटली ने जर्मनी विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सन 1928 में अंकारा तुर्की की राजधानी बनी। सन 1861 में इटली कई हिस्सों में बंद रहा। सन 1815 में ब्रिटेन ने अंसानिया द्वीप पर कब्जा किया। सन 2013 में गायक मन्ना डे इनका निधन हुआ। सन 1915 में मेघना टोम सिटा ने गिरे हुए विमान का मलबा ढूंढ निकाला। सन 2004 में अभिनेत्री निरूपा रॉय इनका निधन हुआ। सन 664 में चीनी यात्री ह्यूएन सांग इनका निधन हुआ।